नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर, मैं आप सभी का अपने चैनल टेक के टारगेट पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं इन्फोसिस की प्रिपरेशन वीडियो। हाँ दोस्तों, बाप 5 इन्फोसिस इंटरव्यू स्ट्रेटजीज। हाँ दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी 5 इन्फोसिस की इंटरव्यू स्ट्रेटजीज बताने वाला हूँ। इसको देखने के बाद दोस्तों, आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, 100% सिलेक्शन इन इन्फोसिस। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ हाउ टू प्रिपेयर फॉर इन्फोसिस सिस्टम इंजीनियर एज वेल एज ओई, दैट इज ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव रोल। तो दोस्तों, मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको इस पे हर एक चीज इन डिटेल बताने वाला हूँ। उससे पहले बस मुझे आपके थोड़े से सपोर्ट की जरूरत है। इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम काफी सारा एफर्ट्स डाल रहे हैं आपके लिए लेटेस्ट अपडेट्स इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, मेक श्योर यार इस वीडियो पर 5000 से ज्यादा लाइक्स क्रॉस हो जाए। और जैसे ही 5000 से ज्यादा लाइक्स क्रॉस होते हैं दोस्तों, बिलीव मी, मैं और बहुत सारी चीजें अपने चैनल पर डालने वाला हूं। उससे पहले दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, प्लीज ज्वाइन आर टेलीग्राम चैनल। मैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने की इतनी रिक्वेस्ट क्यों करता हूं, पहले तो है दोस्तों, एक लेटेस्ट जॉब और इंटर्नशिप अपडेट्स पे आपको एक अपने चैनल पर देता रहता हूं। साथ ही साथ दोस्तों, एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेसमेंट डाउट डिस्कशन ग्रुप। डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस ग्रुप एज वेल। एंड मतलब ये ग्रुप ज्वाइन करना इसलिए मत भूलिएगा, क्योंकि यहां ग्रुप पे, क्योंकि दोस्तों इस ग्रुप पर हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ऑलरेडी दोस्तों 11,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी ज्वाइंट। जैसे सपोज करो आपका रिजल्ट आया, आपका नहीं आया, तो उस ग्रुप में दोस्तों आप एक दूसरे से बात कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ ये ग्रुप ज्वाइन करना कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं 5 इन्फोसिस की बाप स्ट्रेटजीज के साथ। उससे पहले यार एक छोटा सा अपडेट और है री लेवल बाय अनअकैडमी की तरफ से। हाँ दोस्तों, री लेवल बाय अनअकैडमी की तरफ से फ्रंट एंड डेवलपमेंट डोमेन में हायरिंग आ चुकी है क्रैक कंपनी की तरफ से। जैसा कि दोस्तों आपको इस कंपनी के बारे में पता ही होगा, यहाँ का दोस्तों पैकेज भी आपको 14 से 38 LPA तक का आप ग्रैब कर सकते हो बड़ी आसानी से। बात करते हैं कैसे रजिस्टर करना है। तो दोस्तों, सिंपली रजिस्टर फॉर टेस्ट पर आपको क्लिक करना है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट टेस्ट दोस्तों आपको सेलेक्ट करना है। स्लॉट दोस्तों आपको अपना बुक करना है। ओटीपी डालना है। ओटीपी डालते ही दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, पहले ही बता देता हूं, कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी बैकलॉग क्राइटेरिया नहीं है। 2022, 2021, 2020 सभी एलिजिबल होने वाले हैं। तो दोस्तों, मेक श्योर आप इस पे भी जरूर अप्लाई करिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहली टिप के साथ। और दोस्तों, मैंने हर जगह ये लिख रखा है फ्री का मटेरियल। हाँ दोस्तों, हम जितना भी अपने चैनल पर डालते हैं सब कुछ फ्री है। कोई भी कोर्स फीस हम आपसे नहीं लेते हैं। इंटरव्यू कैन बी रिज्यूमे बेस्ड प्लस इंट्रोडक्शन बेस्ड ऑल्सो। हाँ दोस्तों, अगर आप कोई भी इंटरव्यू देते हो वहां, तो दोस्तों या तो आपका जो रिज्यूम, हाँ दोस्तों जो आपका इंटरव्यू है, या तो रिज्यूमे बेस्ड होगा। जो आपका रिज्यूमे है, सपोज करो ये आपका रिज्यूमे है, आपने यहाँ पाइथन मेंशन कर रखी है, सी मेंशन कर रखी है, सी प्लस प्लस मेंशन कर रखी है, तो इंटरव्यूअर इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, आपके इंट्रोडक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं। सपोज करो आपने अपने इंट्रोडक्शन में पाइथन बोल दिया, ML बोल दिया, तो इंटरव्यूअर कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दैट ऑल्सो। दोस्तों पहला पॉइंट है, सो मेक श्योर वॉट एवर यू हैव मेंशन इन योर रिज्यूमे यू मस्ट बी फैमिलियर विद इट। अब सपोज करो यार आपने अपने रिज्यूमे में जावास्क्रिप्ट मेंशन कर रखी है, आपको उसका जे भी नहीं आता, तो एटलीस्ट आप उसका बेसिक कर जाइए। अगर इंटरव्यूअर आपका जो इंटरव्यू है वो बाय चांस रिज्यूमे बेस लेता है, तो आपको जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स तो आने ही आने चाहिए। नेक्स्ट है, वाइल गिविंग द इंट्रोडक्शन मेक श्योर मेंशन ओनली दोज थिंग्स इन विच यू आर श्योर अबाउट। इंट्रोडक्शन वीडियो लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। 150K से ज्यादा, हाँ दोस्तों 1.5 लाख से ज्यादा व्यूज ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आपको नहीं मालूम कि कैसे आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए, तो दोस्तों एक ये क्या वीडियो, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इंटरव्यू क्वेश्चन, तो दोस्तों एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा। इन डिटेल वीडियो हाउ टू प्रिपेयर फॉर इन्फोसिस इंटरव्यू, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों ये वो वीडियो है जहां सारी रिसोर्स आपको मिल जाएगी, कैसे आपको मतलब हर एक रिसोर्सेज के लिए रेफर करना है। और ये जो वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, ये एक ऐसी स्ट्रेटजीज है, अगर ये स्ट्रेटजीज आप अपनाओगे तो प्रिपरेशन आपकी काफी अच्छे पाथ पर होने वाली है। सेकंड स्ट्रेटजी की बात करता हूं, क्या प्रोजेक्ट इंटर्नशिप मैंडेटरी है। अगर मैं मैंडेटरी की बात करता हूं तो हमेशा मैं नो बोलूंगा, बट या अगर आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज चाहिए तो मैं बोलूंगा यस।
ठीक है, तो पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट इंटर्नशिप इज नॉट मैंडेटरी बट यस इफ यू हैव डन अ प्रोजेक्ट देन फॉर श्योर यू विल बी गेटिंग एन एडवांटेज। ये प्रोजेक्ट से एडवांटेज क्यों मिलता है, इंटर्नशिप से एडवांटेज क्यों मिलता है, क्योंकि प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप एक ऐसी चीज है अगर वो आपने कर रखी है तो इंटरव्यूअर को आइडिया लग जाता है कि हाँ यार बीस कैंडिडेट को प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, कैंडिडेट को जो स्किल्स है वो प्रैक्टिकली भी इम्प्लाई करनी आती है। तो होप सो यार मैं आपको समझा पा रहा हूं कि कितनी ज्यादा प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप की जरूरत है। नॉन सीएस स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू डन अ प्रोजेक्ट इवन अ मिनी प्रोजेक्ट विल वर्क इन सीएस फील्ड। दोस्तों अगर आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रखा, अगर आपने अपनी ब्रांच का प्रोजेक्ट कर रखा है वो भी चलेगा, साथ ही साथ यार अगर आपके पास टाइम है तो कोई आप छोटा मोटा प्रोजेक्ट कर लो सीएस फील्ड में। और रिसोर्सेज भी हमारी एक वीडियो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर इन्फोसिस इंटरव्यू, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें मैंने बता रखा है कि कैसे आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। वीडियो और हाउ टू एक्सप्लेन प्रोजेक्ट इन एन इंटरव्यू गिवन इन डिस्क्रिप्शन, प्लीज वॉच हाउ टू प्रिपेयर फॉर इन्फोसिस इंटरव्यू, यू विल गेट इन डिटेल प्रोजेक्ट आइडियाज इज वेल। हाँ दोस्तों ये वाला जो वीडियो है अगर किसी ने प्रोजेक्ट नहीं बना रखा तो एक बार इस वीडियो को देखिए, इस पे मेरा प्रोजेक्ट आइडियाज दे रखे कि कैसे आप एक प्रोजेक्ट बड़ी आसानी से इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बना सकते हो, क्योंकि आप प्रोजेक्ट से कहीं ना कहीं इंटरव्यू में एडवांटेज मिलता ही मिलता है और उस एडवांटेज को यार आप सभी को मिस नहीं करना है। थर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों फ्री के मटेरियल पर, CS टॉपिक्स यू आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर विद। हाँ दोस्तों अगर आप CS के हो नॉन CS के हो, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको मस्ट आने ही आने चाहिए, बाय डिफॉल्ट टॉपिक्स है जिसकी दोस्तों प्रिपरेशन आपको होनी ही होनी चाहिए। जैसा कि दोस्तों मैं बात करता हूं, नो मैटर यू आर फ्रॉम CS और नॉन CS ब्रांच, यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड विद ओप्स DBMS SQL। बाकी दोस्तों इन्फोसिस में काफी ज्यादा SDLC के बारे में भी पूछा जाता है। SDLC की बात करता हूं तो दोस्तों सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसमें काफी सारे मॉडल्स आते हैं, एजाइल आता है, वॉटरफॉल मॉडल आता है, तो दोस्तों इसका भी आपको ध्यान रखना है। सेकेंड है, इफ यू आर फ्रॉम नॉन CS ब्रांच, प्रिपेयर योर कोर ब्रांच सब्जेक्ट एज वेल, स्पेशली मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स है, आप लोगों से काफी ज्यादा आपके ब्रांच के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, साथ ही साथ CS रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप सभी से पूछे जाते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि आपके हर एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलती है। साथ ही साथ 5000 लाइक्स का इस वीडियो पर हमने टारगेट रखा है, क्योंकि काफी सारी चीजें मैं आपके लिए लाता रहूंगा डेली बेसिस पर। नेक्स्ट है दोस्तों, फॉर प्रिपरेशन एंड फ्री रिसोर्सेज रेफर टू हाउ टू प्रिपेयर फॉर इन्फोसिस इंटरव्यू, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। आप सभी सोच रहे हो यार कौन सी वीडियो की बात कर रहा हूं, मैं आपको दिखा देता हूं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इन्फोसिस, ठीक है, इंटरव्यू मैं खोलकर भी दिखाऊंगा, ओपन कर भी दिखा देता हूं ये वीडियो। जैसा कि अगर आप ये वीडियो खोलते हो तो एक बार ना इसका डिस्क्रिप्शन देखिएगा आप, बहुत सारी रिसोर्सेज है, बट ये रिसोर्सेज पहले वीडियो को देख लीजिएगा उसके बाद देखिएगा। अगर मैं प्रोजेक्ट आइडियाज की बात करता हूं तो मैं हमेशा गीक्स फॉर गीक्स इसलिए रेफर करता हूं, यहां आपको काफी सारे प्रोजेक्ट आइडियाज मिल जाते हैं जो कि आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कर सकते हो। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो, अगर आपको जावा आती है जावा पर प्रोजेक्ट कर सकते हो, C++ पर कर सकते हो, पाइथन पर कर सकते हो। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है यार, टाइम को वेस्ट नहीं करना है और अपने प्रोजेक्ट को प्रिपेयर कर लेना है। दोस्तों तीन बाप इन्फोसिस स्ट्रेटेजीज बता दी, चौथी स्ट्रैटेजी पर चलते हैं जो कि है गिव इंपॉर्टेंस टू HR मैनेजरियल क्वेश्चंस एज वेल। हाँ दोस्तों आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो HR क्वेश्चंस को बहुत ही ज्यादा लाइटली ले लेते हैं, कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ दोस्तों इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर टेक्निकल क्वेश्चंस प्रॉपरली देन ट्राई टू आंसर HR क्वेश्चंस इन सच अ वे सो दैट द इंटरव्यूअर गेट इम्प्रेस्ड। दोस्तों मैंने काफी सारी सिचुएशंस देखी है, अपने आप भी देखा है, जब मैं कभी भी अपने टेक्निकल क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से नहीं दे पाता था, मैं कोशिश करता था कि मैं HR क्वेश्चंस पे इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकूं। और मेरे साथ एक बार हुआ भी था, मैंने अपने एक इंटरव्यू में मेरे को टेक्निकल इतना नहीं आता था, तो मैंने HR क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से दिए थे और मैं दोस्तों उसमें भी सेलेक्ट हुआ था। Whenever you are asking managerial situation based question, then always think and answer. Do not answer in hurry. अगर आपको HR questions की नहीं पता तो हमने 6 से 7 videos की playlist बना रखी है, मैं कोशिश करूंगा कि 1 से 2 video और भी जल्दी से जल्दी अपने channel पर डाल दूं। तो दोस्तों
इन एचआर क्वेश्चंस को देखने के बाद मुझे नहीं लगता आपको कहीं जाने की जरूरत है, तो प्लीज एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा। एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस प्लेलिस्ट लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि मैं दिखा दिया है दोस्तों, सब कुछ फ्री का मटेरियल है, कुछ भी कोर्स की फीस आपसे नहीं ली जा रही, तो प्लीज इसको देखिए और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं सभी की फ्री में प्रिपरेशन हो और बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन हो। फिफ्थ की बात करते हैं, आस्क क्वेश्चंस टू द इंटरव्यूअर। इस पर यार हो सके तो स्टार स्टार इनफाइनाइट स्टार लगा लो। ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस टू द इंटरव्यूअर इन लास्ट वेन एवर द इंटरव्यूअर से डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, डू नॉट से नो। प्लीज कभी भी नो नहीं बोलना है, बहुत सारे स्टूडेंट नर्वस हो जाते हैं, नो सर आई डू नॉट हैव एनी क्वेश्चंस, ओके सर बाय, ऐसा करके नहीं बोलना है। आस्क सब क्वेश्चंस टू हिम, इंटरैक्ट विद हिम, वॉच आर इन्फोसिस इंटरव्यू एक्सपीरियंस प्ले लिस्ट, यू विल गेट सो मेनी क्वेश्चन दैट यू कैन आस्क टू द इंटरव्यूअर। हाँ दोस्तों, हमारी इन्फोसिस की इंटरव्यू एक्सपीरियंस की प्ले लिस्ट से जहां आपको 33 से ज्यादा वीडियोज मिल जाएगी, तो प्लीज इसको भी जाकर देखिए, आपको काफी सारे क्वेश्चन का आइडिया भी लगने वाला है। नेक्स्ट है दोस्तों, डू नॉट मिस दिस 5 बाप इन्फोसिस की स्ट्रैटेजीज, तो ओवर हो गई है, डू नॉट मिस पे दोस्तों पहला है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर इन्फोसिस इंटरव्यू, दिस वीडियो इंक्लूड्स ऑल द फ्री बेस्ट रिसोर्सेस, एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा, सारी रिसोर्सेज आपको पता चल जाएगी कि कहां से आपको क्या पढ़ना है। ऑलरेडी यार 36,000 व्यूज है, 2.2K लाइक्स से, तो आप समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस वीडियो में। नेक्स्ट है, इवन वी हैव मेड अ प्लेलिस्ट ऑफ इन्फोसिस इंटरव्यू एक्सपीरियंस कंसिस्टिंग ऑफ ऑलमोस्ट 30 से ज्यादा वीडियोस दोस्तों हमने बना रखी है, आप इसको भी देख सकते हो। मैं सच्ची बता रहा हूं, प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे लेवल पर होने वाली है, वो भी बिल्कुल फ्री में। ऑलरेडी हेल्प 2000 प्लस स्टूडेंट्स इन गेटिंग प्लेस इन इन्फोसिस, हाँ दोस्तों मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स की हेल्प भी की है, साथ ही साथ दोस्तों लास्ट टाइम जो हायरिंग आई थी 26th of December, उसमें भी दोस्तों काफी सारे स्टूडेंट्स ने हमें इन्फोसिस का लाइव मॉक इंटरव्यू दिया था, जैसा कि आप दोस्तों टेस्टिमोनियल्स देख सकते हो, काफी सारे स्टूडेंट्स ने दोस्तों हमें टेस्टिमोनियल्स भी दिए कि सर हमें आपको इंटरव्यू देने में बहुत अच्छा लगा, मॉक इंटरव्यू इज वेरी गुड, दैट इज हेल्पफुल फॉर माई कैपजेमिनी। दोस्तों कैपजेमिनी का है, हाँ दोस्तों ये देखिए, आई बुक दिस मॉक इंटरव्यू बिकॉज टू गेट अ कॉन्फिडेंस एंड इट इज वेरी अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो दोस्तों आप भी एक बार जरूर देख सकते हो, इसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइव मॉक इंटरव्यू का दोस्तों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये वीडियो देखना है फ्री प्रिपरेशन के लिए, इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखने हैं, 2000 स्टूडेंट्स की हेल्प हो चुकी है और लाइव मॉक इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हाउ टू प्रिपेयर फॉर ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव रोल। दोस्तों मेरी काफी सारे स्टूडेंट से बात हुई, मैंने पता किया कि यार ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव रोल के लिए कैसे पढ़ना चाहिए, मैंने लास्ट ईयर के काफी सारे एक्सपीरियंस देखे, तो मैं बस 3 पॉइंट में इसको सम अप करना चाहूंगा। पहला तो प्रिपेयर योर रिज्यूमे वेरी वेल, अपने रिज्यूमे को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, जो भी चीजें आपने अपने रिज्यूमे में मेंशन कर रखी है, सपोज करो अगर आपने अपने रिज्यूमे में कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी मेंशन कर रखी है, तो प्लीज उसको जरूर कर लो। प्रिपेयर एनी प्रोजेक्ट दैट यू हैव मेड इन योर कोर्स, जरूरी नहीं है कि सीएस का प्रोजेक्ट हो, अगर आपने अपने कोर्स में कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाया उसको कर लो, आपसे आपके प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जा सकता है। साथ ही साथ प्रिपेयर द सब्जेक्ट दैट आर इन योर कोर्स, आपके सब्जेक्ट आपके बीच जो भी कोर्स में जितने भी सब्जेक्ट है उनको प्रिपेयर कर लो। साथ ही साथ यार एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बस दोस्तों आपको ये 3 चीजें करनी है, और अगर आप ये 3 चीजें कर लेते हो, ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव रोल का जो इंटरव्यू होता है वो काफी ज्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू सिस्टम इंजीनियर रोल। तो मेरी एक रिक्वेस्ट यार, प्रिपरेशन जरूर करिए, आप सभी की काफी सारी हेल्प हो जाएगी, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में भी मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में 5 बाप इन्फोसिस इंटरव्यू स्ट्रेटजीज रिवील कर दिए, 100% 200 सिलेक्शन होने वाला है, मैं मजाक नहीं कर रहा। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों इस वीडियो पर 5000 लाइक्स जल्दी से जल्दी पहुंचा दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्दी मिलता हूं अपनी नई वीडियो में अपने नए टेक अपडेट के साथ, जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।